हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभम फॉर यू। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, फेसबुक से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने फेसबुक का जो फेसबुक पेज का प्रोफाइल पेज का जो यूआरएल होता है दोस्तों, वो काफी बड़ा होता है, उसको चेंज करके आप कस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, कस्टम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक में जाना है, मैंने पीसी में ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपको फेसबुक में जाना है। फेसबुक में जाने के बाद आपको यहाँ अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दे रहा है, यहाँ पे ये यूजर नेम, और यहाँ पे लिखा यू हैव नॉट सेट अ यूजर नेम, यहाँ पे मैंने कुछ भी सेट नहीं किया रखा था। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अब आपको इसमें अपना कस्टम यूआरएल नेम सेट करना है। दोस्तों, याद रहे कि यहाँ पे वही नेम ये फिल करेगा या वही नेम ये एक्सेप्ट करेगा जो कि किसी ने यूज ना किया हो। दोस्तों, आपको अपना ऐसा यहाँ पे नाम डालना है जो कि पहले किसी ने यूज ना किया हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ SHUBHAM और फॉर यू। देखिए ये नहीं ले रहा क्योंकि ये नाम किसी ने ले लिया है, रख लिया है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ शुभम ट्रिकी। देखिए दोस्तों, ये नाम किसी ने नहीं यूज किया है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ शुभम ट्रिकी। और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से मैंने इसको कर लिया शुभम ट्रिकी। और यहाँ पे डॉट भी लगा सकता हूँ, शुभम डॉट ट्रिकी, ये भी यहाँ पे ले ले रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर दूंगा, और जैसे ही मैं सेव चेंज करूंगा तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। और पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल नेम जब शो होगी, देखिए यहाँ पे भी दोस्तों ये कुछ भी नहीं शो हो रहा। जब आपकी प्रोफाइल नेम यहाँ पे शो होगी तो ये आपके प्रोफाइल नेम में ये लिंक इसका आ गया, http://facebook.com/shubham.trikki। अब दोस्तों, ये आपका कस्टम यूआरएल नेम हो गया जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जब आप इस यूआरएल को कहीं पे पेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये यहाँ पे अब मैं प्रोफाइल खोल रहा हूँ तो ये शो हो रही शुभम डॉट ट्रिकी। और इसके पहले जब मैं प्रोफाइल खोल रहा था तो यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल शो हो रही थी। और अब यहाँ पे प्रोफाइल में जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो शुभम डॉट ट्रिकी लिख के ही आ रहा है दोस्तों। अब मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ कहीं पे भी, जैसे कि आपको यूट्यूब चैनल में लगाना होता है अपने सोशल मीडिया लिंक, तो आप उसको लगा सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको देखिए पेस्ट करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा उसमें मेरी प्रोफाइल शो कर रही है। दोस्तों, आप भी ऐसे ही कस्टम यूआरएल को चेंज करके अपना वहाँ पे अपना नाम कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स डेली इस वीडियो में मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुभम फॉर यू।